हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम देखेंगे सीएसएस आइकन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट कैसे यूज करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, वो देखा था। दो तरीके से हमने देखा था। पहला देखा था एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कैसे उसका लिंक देकर अपने इंटरनल अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा था इंटरनल स्टाइल शीट्स में गूगल फॉन्ट को कैसे यूज करते हैं, वो देखा था हमने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और एंड रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे ईमेल का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने H1 टैग में लिखा हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अदिश्मा। ठीक है, और यहाँ पे CSS का लिंक दे दिया है हमने, जो मेरा CSS का फाइल यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम और देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में CSS आइकन्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CSS आइकन इसको बोलते हैं। जैसे ये आप Flipkart का वेबसाइट देख रहे हैं, इसके कार्ड के आगे हमारे एक आइकन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आइकन। कभी कभी हमने मेल आईडी के आगे एनवेलप लगा रहता है, तो उसको भी बोलते हैं हम आइकन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं CSS आइकन कैसे यूज करते हैं। तो CSS आइकन के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, fontawesome.com, इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले जो लिंक आएगा। ठीक है, फॉन्ट ऑसम पे, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस आइकन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आइकन्स लिखा हुआ है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको कौन सा ऑसम चाहिए, मींस कौन सा फॉन्ट चाहिए। ठीक है, सर्च करना है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, तो मैं फेसबुक का आइकन आपको यूज करके दिखाती हूँ, फेसबुक। ठीक है, और इसको एंटर कर दीजिए, फेसबुक लिख दिया। तो ये फेसबुक के आइकन्स आ गए, जैसे ये फेसबुक है, ये फेसबुक है। अब इसमें से कौन सा यूज करना, मान लीजिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, अब इस मुझे इस किसके लिए चाहिए, रिएक्ट के लिए चाहिए, व्यू के लिए चाहिए, एचटीएमएल के लिए चाहिए। मुझे तो एचटीएमएल के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर टैप करूंगी, क्लिक करूंगी, ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगी। जैसे कि ये यहाँ पे पेस्ट हो गया और इसके आगे लिखती हूँ फेसबुक। ठीक है, और इसको रन कराती हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं और रन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइकन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक नहीं दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक। ठीक है, सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का लिंक आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको किस चीज के लिए चाहिए। मुझे ना टैग के लिए चाहिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे क्लिक करूंगी मैं। ये फॉन्ट ऑसम का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी, ऑल डॉट मीन, फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ये फॉन्ट ऑसम लिख दिया, इसको कमेंट कर दिया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करा, सेव कर दिया। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फेसबुक के बगल पे F लिखकर आ गया। जैसे कि मैं मेल आईडी का दिखाती हूँ, अभी यहाँ पे सर्च करते हैं पहले फॉन्ट आइकन। ठीक है, फॉन्ट आइकन सर्च करते हैं ईमेल के लिए। ठीक है, ये ईमेल आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने ये एनवलप सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा adishma@gmail.com। ठीक है, ये मेल लिख दिया हमने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए आपका, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक br टैग दे देते हैं, br। ठीक है, इसको रन कराते हैं। तो ठीक है, ये आपका एनवलप आ गया। इसका कलर साइज सब CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहां से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप हार्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट लिखो आप, ये देखिए हार्ट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कीजिए और पेस्ट करिए। ठीक है, पेस्ट कर दीजिए और इसको रन कराइए, यहाँ पे इसको रन करा दीजिए। तो ये आपका हार्ट भी आ गया। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं हम अपने
HTML डॉक्यूमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा जिनको जरूरत हो, एंड थैंक यू।